हेलो फ्रेंड्स, सहसरण गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। बीच में कुछ स्थितियाँ सामान्य नहीं थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा YouTube पर कोई काम नहीं कर पाई और मैंने कुछ थोड़े से शॉर्ट्स डालती रही ताकि थोड़ी सी निरंतरता मेरे फ्रेंड्स के लिए बनी रहे। और इस बीच मैं अपने गार्डन की अच्छी देखभाल भी नहीं कर पाई और अब थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है और मैं थोड़ी थोड़ी शुरुआत अब करने की सोच रही हूँ, क्योंकि डेढ़ दो महीना थोड़ी सी मैं व्यस्त थी। और मैंने फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंड्स में भी कुछ लोगों ने अपना फरवरी मार्च में जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया है तो मेरे साथ कर सकते हैं। मैंने अपनी गुलदाउदी की कटिंग्स भी नहीं की थी पूरी तरह से, क्योंकि अब उसमें फ्लावरिंग तो हो नहीं रही है। और मैंने अब कुछ जो यहाँ पर पौधे थे, मैंने उन्हें ऊपर से जो इस तरह की सूखे हुए टहनियाँ थी उन्हें कट कर दिया है और अभी काफ़ी बचे भी हुए हैं, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं उनकी कटिंग कर रही हूँ। और अगर आपके पास ज़्यादा पॉट्स में गुलदाउदी है तो आप उन्हें किसी इस तरह के पॉलीथीन वगैरह में भी नीचे से छेद करके मिट्टी समेत रख सकते हैं और अपने पॉट्स का गर्मियों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आपकी जो भी सूखी पत्तियां हों उन्हें आप कंपोस्टिंग में ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छी खाद बनती है। और आपने जो स्टिक वगैरह लगाई है उन्हें भी अलग कर लें और उन्हें संभाल कर रख दें, क्योंकि फिर बाद में हमें सर्दियों में इसकी फिर से ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमें इन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यही काम मैं कर रही थी और यही आपको थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और कुछ इस देखिए पालक के भी बीज बन रहे हैं, और इस तरह से अगर आपने भी पालक उगाई है तो उनके बीज को भी आप रख सकते हैं और पालक को समय समय पर ग्रो भी कर सकते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं वहाँ थोड़ा सा जून जुलाई में थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी आप सब्जियाँ उगाने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा सा जहाँ पर धूप कम पड़ती हो। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने कड़ी पत्ते को प्रून कर दिया था और इसका वीडियो मैंने डाला था, देखिए। और ये कितना हरा भरा हो गया है, ये देखिए, मैंने यहाँ से कट किया था और ये इसकी टहनियाँ निकल आई हैं। और ये देखिए, मैंने पूरा ही इसको एक डंडे की तरह ही था और अभी ये कितना हरा भरा हो गया है। और मेरे पास तीन प्लांट हैं कड़ी पत्ते के, ये देखिए इसमें नई नई शाखाएँ आ गई हैं और नई नई पत्तियाँ भी आ रही हैं और इसमें कुछ बीज भी बन रहे हैं। अगर आपको बीज बनाने हैं तो आप इन्हें रहने दीजिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो इन्हें आप हटा भी सकते हैं, किसी एक प्लांट में रहने दें। ये देखिए, ये इसके बीज हैं और ये ही जब ग्रो होंगे और इन्हीं से ही हमारा कड़ी पत्ता भी बन सकता है और कटिंग से भी हो सकता है, इसे कटिंग से भी हम कड़ी पत्ते को ग्रो कर सकते हैं। और अभी मैरीगोल्ड खिला हुआ है और ये सर्दियों के फूल हैं जिन्हें मैंने काफ़ी बीज इनके इकट्ठे कर लिए हैं और अभी धीरे धीरे मैं इन्हें हटाऊंगी। अभी थोड़े छोटे छोटे से फूल भी इनमें आए हुए हैं, फिर एकदम से मैं हटा दूंगी तो सारा गार्डन खाली खाली लगेगा, इसलिए धीरे धीरे जब भी मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं ये काम कर रही हूँ। यूफोर्बिया मिली बहुत ही सुंदर लग रही है और इसे, ये मेरे पास एक ही पौधा था और मैंने इसे कटिंग से बहुत सारे इसके पौधे बना लिए हैं, बहुत ही कम देख रेख में अच्छी फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। और इस बीच ज़्यादा पौधों की देख रेख नहीं हो पाई है तो थोड़े से पौधे ठीक ठाक स्थिति में नहीं हैं, तो अब इन्हें थोड़ा सा मुझे ठीक भी करना है। और काफ़ी सारे मेरे गुड़हल की कटिंग मैंने लगाई है तो वो इस बार ग्रो हो गई है, ये एक नए रंग का है और इसमें कई बार पानी देने में भी मेरे कोताही हो जाती है, तो फिर भी प्लांट्स मेरे साथ मेरा बने रहते हैं। और
येलो बेल भी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। मैंने इसको पूरा ही प्रून कर दिया था और इसमें अब टहनियाँ आ रही हैं। अगर आपके पास भी येलो बेल है और वो लैगी हो गया है तो फ्रेंड्स इस टाइम भी आप कटिंग कर सकते हैं, और अगर कड़ी पत्ते की प्रूनिंग भी नहीं की है तो उसे भी कर सकते हैं। और अब अपने कोलियस को आप थोड़ी सी छाया वाली जगह में रख दीजिए, बहुत तेज़ धूप में इसे बचाना मुश्किल है, और अपने सारे इंडोर प्लांट्स को अब थोड़ी सी छाया में रखने की कोशिश कीजिए। और ये हैं कोलियस के फूल, क्योंकि मैं इन्हें हटा नहीं पाई थी, क्योंकि अच्छी ग्रोथ के लिए इन्हें हटा देना चाहिए। और बोगनवेलिया हमेशा की तरह थोड़ा कम पानी में भी सर्वाइव कर जाता है। और कनेर को मैंने कट कर दिया था, इसमें नई नई टहनियाँ आ गई हैं और इसमें भी फ्लावरिंग होगी। कटिंग से इसे इस टाइम भी ग्रो कर सकते हैं। और मेरी चांदनी देखिए, मैंने इसे पूरा ही कट कर दिया था, थोड़ा लेट किया, पर ये भी अपनी ग्रोथ कर रही है नया नई। और इस टाइम फ्रेंड्स आप बहुत मात्रा में मॉस रोज को ग्रो कीजिए, उस गर्मियों में बहुत ही कम देख रेख में अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। इस तरह से अभी मुझे अपने गार्डन में बहुत सा काम करना है और धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए थे अपना गार्डन दिखाए, और चंपा में भी नई ग्रोथ शुरू हो रही है, और अनार हमेशा की तरह फूलों से भर गया है, और मेरी तुलसी इस बार सारी बची है, कोई भी ख़राब नहीं हुई। और इस तरह से अभी विंटर के फ्लावर भी खिले हुए हैं, और मेरी एक लाइन सारी मैंने अपने सारे गुड़हल्स जो थे हिबिस्कस उनको प्रून कर दिया था, और उनमें अच्छी ग्रोथ हो गई है, और थोड़े ही दिनों में इसमें फ्लावरिंग होगी। और ये मेरा आम का पौधा, इस बार गर्मियों में आप भी आम की गुठलियों से इसे ग्रो कर सकते हैं। और सदाबहार के जो पुराने प्लांट थे उनमें फ्लावरिंग होने लगी है। और इस टाइम फ्रेंड्स आप जेड प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं, और इसे छाया में बिल्कुल ना रखें, ये धूप में अच्छी तरह से ग्रो होता है। और एक मेरा पुराना बैंगन का प्लांट है, इसे मैंने कट कर दिया था, और इसमें छोटे छोटे बैंगन लगने लगे हैं, और ये इसके जामनी फूल। तो इस बार मुझे ज़्यादा सब्जियां उगाने का टाइम तो मिला नहीं है, पर जो भी पुराना है वही उसी में ही प्रोटीन हो रही है। तो फ्रेंड्स आप भी करते रहिए गार्डनिंग, और रहिए फूलों के साथ। कुछ दिनों में थोड़ा सा मैं अपना गार्डन को व्यवस्थित करूंगी, और थोड़े से अपने प्लांट्स को छाया की ओर भी रखूंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे तेज़ गर्मियां आ जाएंगी। 15 मई के बाद तो बहुत ही तेज़ गर्मी होगी, तो उसके लिए धीरे धीरे तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स बने रहिए चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।